नमस्ते एंड वेलकम बैक टू IAM फूड शो, हियर योर शेफ कंकना। तो जैसे कि आपको पता है, ये वीक है स्पेशल हमारा गुरु नानक जयंती। तो ये जो है सिख का जो बर्थडे है, जो उनके फर्स्ट गुरु है उनका बर्थडे में सेलिब्रेट करता है, और ये बहुत ही बड़ा फेस्टिवल होता है उनके लिए। बहुत अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो इस फेस्टिवल में हम लोगों ने मीठा तो बना लिया है, अभी कुछ नमकीन, कुछ रोटी नान टाइप क्यों ना बनाया जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं ऑनियन कुलचा। तो जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वो आपके घर में इजीली अवेलेबल होता है, आप कोई भी मेहमान आए तो आप झटपट बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए मैदा, दही, ऑनियन कुलचा के लिए ऑनियन, ऑयल, पिसी हुई चीनी लिया हम लोगों ने, जिसको हम लोगों ने ग्राइंड कर लिया था चीनी को, नमक, चाट मसाला, जीरा पाउडर और चिली पाउडर। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे हम लोग आटे का दो लगाते हैं वैसे ही हम उसका दो लगाएंगे। इसमें हम मैदा दिए और स्वाद अनुसार आप सॉल्ट लेंगे, इसमें शुगर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो मिक्स इट वेल, ताकि आपका जो चीनी और नमक है मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें हम दही देंगे 2 टीस्पून जैसा, और इसको भी अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। पानी देके इसको अच्छा सा एक सॉफ्ट जैसा डो बना लीजिए। इसको अच्छे से आपको नीट करना है। तो ये अच्छे से मिक्स दो बन गया है। अभी हम इसमें देंगे ऑयल, ऑयल देके उसको फिर से अच्छे से हम लोग उसको नीट करें। जो हमारा डो है अभी ये रेडी है, पर इसको हमें देना है थोड़ा देर के लिए रेस्ट। तो मिनिमम आप अराउंड हाफ एन आवर का इसको रेस्ट दीजिए, और मैक्सिमम आप 2 घंटे तक भी इसको रख सकते हैं। तो रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डो के लिए। तो अभी हम इसको रखेंगे रेस्टिंग के लिए, उसके बाद दिखाते हैं कैसे बनता है। तो इसको हम रख देंगे रेस्टिंग के लिए, पर
वन आवर या दो घंटा तो हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं, तो मैंने पहले ही एक जो डो बना के रखा है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो हमने पहले ही बना के रखा था, इसका गोला बना लेंगे हम पहले। जीरा पाउडर एंड आपका चाट मसाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो ये हो गया है हमारा मसाला रेडी, हम इसको बेल लेंगे। उसके ऊपर थोड़ा पानी लगा लेंगे ताकि जो ऑनियन है वो अच्छे से चिपक जाए। इसके नीचे भी हम लोग पानी लगाएंगे ताकि वो तवा में भी चिपक जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये फूल रहा है थोड़ा, इसका मतलब ये पक रहा है। इसको हम कर देंगे टर्न। हम लोगों ने पानी लगाया इसलिए वो नीचे निकल के नहीं आ रहा है। ये आप देख सकते हैं ये हो गया है हमारा नान। तो ऐसे हम लोग बाकी का भी बना लेंगे। सेम वे हम लोग बाकी का भी बेलन के बना लेंगे।
ये हो गया। अभी इसमें हम लोग ऑनियन का जो मसाला है उसको, इसमें हम थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, सेम प्रोसेस। इसमें भी हम लोग पानी लगा लेंगे पहले। थोड़ा सा हीट को बढ़ा दीजिए। इसको हम टर्न कर लेंगे। ये आपका रेडी है। सेम वे हम दूसरा में भी करेंगे। दिस इज ऑल्सो डन। सो वी आर रेडी फॉर प्लेटिंग। इसके साथ नान, जो ये कुलचा है, नान है, रोटी है, बहुत ही अच्छा जाता है। तो हम लोगों ने जो ऑनियन कुलचे बनाए हैं, इट इज बी गोइंग वेरी वेल विथ योर पनीर के साथ बोलिए या फिर चिकन के साथ बोलिए, बहुत ही अच्छा जाता है। और ये इसमें हम थोड़ा सा कोरिएंडर स्प्रिंकल कर देते हैं। तो ये आपका ऑनियन कुलचा रेडी है। आशा करते हैं कि आप सबको पसंद आएगा और आप घर में ट्राई कीजिए इसको। एंड आई होप यू विल लाइक इट एंड योर फैमिली। एंड जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि दिस पेंडेमिक यू शुड मेंटेन ऑल द प्रोटोकॉल्स, वेयर मास्क, वॉश योर हैंड, सैनिटाइज योर हैंड, नो एंड फॉलो ऑल द प्रोटोकॉल्स एंड ऑल द रूल्स, एंड वी विल श्योरली डिफेंड दिस पेंडेमिक। The students who are keen about learning about hotel industry or hospitality industry or about tourism, we have 3 institutes, one in Kolkata, one in Guwahati and one in Karnataka, with the fabulous and fantastic teaching faculties. So I hope you have enjoyed it, and we will meet again soon with another interesting, simple and homemade recipe which you will like.